370 हटा ही वहां पर करते हैं विकास की बात। यहाँ पे तो इनसे विकास हो नहीं पाया, आए हैं वहां पे विकास करने वाले। ईवीएम के विरोध में इकट्ठे होते हैं और सब जानते हैं इस चीज को कि ईवीएम जो है एक घोटाला मशीन है, इसको घोटाला मशीन कह दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ते पहले मैं पार्क में गई थी और वहाँ पर मैं ईवीएम के बारे में और मोदी जी के बारे में आज के 10 साल के बच्चों की सोच बताना चाह रही हूँ। तो मैं पार्क में गई थी, वहाँ पर कुछ लोग बच्चे पार्क में खेल रहे थे, अप्रोक्स नियर उसका 10-11-12 साल के बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा, बच्चों इधर आओ जरा, उनमें से एक बच्चे को बुलाया, सारे बच्चे आए, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो उन्होंने सारा बताया। उसके बाद मैंने पूछा, बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। उन्होंने बोला, मैडम नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, कैसे आए हैं ये। तो उन्होंने बोला, जी ईवीएम से आए हैं। अच्छा, ईवीएम से कैसे आए हैं, ईवीएम से कैसे आए हैं, जरा मुझे ये भी बताओ ईवीएम क्या है। कह जी वो तो गड़बड़ी मशीन है, वो कोई वोटिंग मशीन नहीं है, वो तो गड़बड़ी मशीन है। तो इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि मैं आपको कुछ और कहना चाहूँ। आप समझ ही गए होंगे कि जब 10 साल 11 साल के बच्चे की ये सोच है, आज के युवा की ये सोच है, हमारे बुजुर्ग की ये है, तो मोदी जी की क्या छवि है। और अगर वो इतने ही अच्छी छवि के हैं तो हम वही बात कहना चाहते हैं दोबारा, जो कि आज तक बार बार रिपीट होती आ रही है और वो रिपीट होती चली जाएगी, कि अगर वो इतने ही अच्छे इंसान है तो बिना ईवीएम के आए तो हम जानेंगे, हम भी उनके साथ खड़े होंगे। हमें उनके साथ खड़े होने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो बेईमानी तो छोड़े, वो हमारे देश के लिए काम तो करें, हमारे युवाओं के लिए तो काम करें, हमारी महिलाओं के लिए काम करें। जो उन्होंने वादे किए थे वो कहाँ चले गए उनके वादे, मैं सब उनसे यही पूछना चाहूंगी। और दूसरा ये कि जो आज हमारे, हम जिनका विरोध कर रहे हैं, हमारे ही विरोध के अंदर कुछ लोग हमारी जमीन, जिसपे हमारा पहले से ही ये था कि हमें यहाँ पर इस जगह पर हमारा धरना प्रदर्शन होता है और 3 बार से होता आया है, आज जानबूझकर वो चीजें हमारे धरना प्रदर्शन की जगह पर कुछ लोगों ने आके जबरन या समय से पहले आकर वो ले ली, छीन ली। तो वो इस बात को जान ले, सोच ले, समझ ले कि हम खाली बैठने वाले नहीं है, हम पीछे रहने वाले नहीं है। एक आम आदमी को चाहिए कि सिर्फ एक रोजी
दर्द होता है ना दिल में, तो सारे मुद्दे बेवजह निकल पड़ते हैं। 370 का इन्होंने हटा दिया, हटा दिया कोई नहीं, जब उसका विरोध करेंगे होगा, लेकिन जब 370 हटाई वहां पर करते हैं विकास की बात, यहाँ पे तो इनसे विकास हो नहीं पाया, आए हैं वहां पे विकास करने वाले। सेम सेम सेम।